मोय तुहिन मन के परम प्रधान कर बारे गोटेक बात बताएक चाहून जे पूरे दुनिया के अबदिन मन के जीवन के बदल देवा थे। ये कोनो ऐसन बात ना लगे जे के कोई हर बना है। ये बाइबल ग्रंथ से है के जे परम प्रधान कर बानी है के इकर लगिन ये सच्चा और विश्वास योग्य है के एगो है ईश्वरा है और वो परम प्रधान परम आत्मा है के परम आत्मा कोनो भी व्यक्ति आत्मा धार्मिक गुरु सरकार चाहे देवता से हो शक्तिशाली है जेकर अबदिन मन पूजा करें। वो शुरू से दूसर कोनो चीज होए कर आगे से है रहे। जब परमात्मा को चीज मन के रचे लगलग तो वो बस कहत रहे और सौब रूप में आए गेलग। परमात्मा को धरती में और सरग में सब चीज के बना लग। सरग में अपन आराधना और सेवा करे कर लगिन उगो सरग दूत मन के बना लग और उगो सौब के बना लग जेके हमरे देखे सकीला। सूरज चांद तैरगन धरती केर सौब गाछ बिरिछ और जानवर मन के और आखिरी में उगो स्त्री और पुरुष के अपन रूपे बनालक। जखन परमात्मा को उस सौब के बनालक उ कहलक सच्चे ई अनैत बेसा है। परमात्मा को स्त्री और पुरुष के रहक लगिन एगो सुंदर बगीचा के देलक। ओमन रोज दिन संगे संगे चलत रहें और उकर से और एक दूसर से ओमन कर संबंध अद्भुत रहे। परम ईश्वर को ओमन के बतालक कि ओमन बगीचा कर देखरेख करबें और सब चीज कर आनंद लेबें। ईश्वर को ओमन के एगो खास हुकुम देलक। ओगो कहलक तुहिन मन बगीचा कर कोनो भी गाछ कर फर खायक सकल पाहे तुहनी वो बगीचा कर बीचे एगो गाछ है जेके तुहनी खायक नी सकल। अगर तुहनी उकर फर के खाबा तो तुहनी मोयर जाबा। स्त्री और पुरुष कर संबंध ईश्वर से और एक दूसर कर संग एकदम बेस रहे। ईश्वर हमिन के ई लगिन बनालक कि हमिन इहे नियर संबंध उकर संग और एक दूसर कर संग रखेक सकब। स्त्री और पुरुष कर संबंध ईश्वर और एक दूसर कर संग अद्भुत रहे। पहे का तुहिन के याद है वो सरगदूत जेके ईश्वर को बनाए रहे। उकर में एगो सरगदूत घमंडी हो गेला। वो ईश्वर कर जैसन होए चाहत रहे और सरगदूत मन से ईश्वर कर जगह आपन आराधना करवाए चाहत रहे। पहे एक गो ईश्वर है जेकर आराधना करे चाहे। इकर लगिन परमेश्वर गो उ आगया नी मानेक वाला सरगदूत के सरग से निकलाय देला और हमिन उ सरगदूत के शैतान कहें। परमेश्वर गो उ सौब सरगदूत के भी सरग से निकलाय देलक जे उकर पीछे चलत रहें। ओ मन बुरा और दुष्ट आत्मा रहें। एक दिन शैतान गो औरैत के ओ गाच केर फर के खायक ले भरमालक जेके मना कराल जाय रहे। उगो उकर से पूछलक का परमेश्वर सच में कहलक कि तोय बगीचा केर कोनो भी गाछ केर फर के नहीं खाय सकबे। औरत गो कहलक नहीं हमरे कोनो भी गाछ केर फर के खाय सकीला एकला उके छोड़ के जे बगीचा केर बीच में आहे। अगर हमरे उके खाब चाहे छुआब तो हमरे मोर जाब। पाहे शैतान गो उके बतालक तोय नी मोरबे पाहे तोय ईश्वर केर समान हो जाबे। औरत गो शैतान कर बात सुनलक और फर के खाय देलक और वो अपन मरद के भी देलक और उहो खालक। ओ दिन वो दोनों जन पाप कर लें। जब भी हमरे ईश्वर केर हुकुम मन के तोड़िल तो ओहे पाप ही के। ईश्वर धर्मिक और पवित्र ही के
जे बेरा हमरे उकर हुकुम के तोड़ेल सेखन उके हमरे के दंड देवे होएल। ईश्वर गो स्त्री और पुरुष के बगीचा से निकलाय देलक और ईश्वर केर संग ओ मनक रिश्ता जिंदगी केर लगिन टूट गेलक। ओ स्त्री और पुरुष केर जैसन हमरे सौब पाप कर ही ईश्वर केर संग हमिन कर रिश्ता टूट जाए है और पाप चलते हमरे के मोरक केर पीछे नरक में हमेशा हमेशा ले सजा भुगते होई। हमरे जिंदगी केर लगिन ईश्वर केर संग नी जिए सकब जैसन हमरे बनाल जाय रही का करल जाई। समय बीतते बीतते धरती में अब दिन मनकर गिनती बैठ गेलक। भले हु उ सौ भर पाप कर रहे ईश्वर तभियो ओ मन से अनैत प्रेम करत रहे और ओ मन केर संग रिश्ता बनाए चाहत रहे। ईश्वर गो अपन एगो दास केर द्वारा अब दिन मन के 10 हुकुम देलक। याद करा ईश्वर सिद्ध और पवित्र ही के तो हमरे के भी उकर संगे रहक लगिन सिद्ध और पवित्र बने खैक। 10 हुकुम गो आबदीन मन के सिखालक कि ओ ईश्वर और एक दूसर केर संग बेस से कैसन रहक है। उकर में कोनो हुकुम ऐसन रहे दूसर देवता मनकर सेवा ना करा, अपन माय बाप कर आदर करबा, झूठ ना बोला, ना चोराबा, हत्या ना करबा, दूसरा कर चीज मन के लालच ना करबा, व्यभिचार ना करा। पाहे केव भी ये सब हुकुम के पालन नी करेक पारलाय। ईश्वर गो होवेक देलक कि जतेक बेर उमन पाप करबें उमन के अपन पाप के मानेक होई और एगो बलि चढ़ाएक होई जे ओ मनक सजा केर जगह के ले लेवी। ई बलिदान एगो शुद्ध जनवार कर लहू से पूरा होवेल। जेखन उमन उके बलि चढ़ात रहे उमन ईश्वर से बेंती करत रहे कि उमन के क्षमा करोक और ओ जनवार उकर जगह मोयर जाएक दे। सिर्फ लहू चुवाएक से मनवा केर पाप क्षमा होई सकेल। पाहे जैसन जैसन बेरा बीतते गेलक ओ मन दिल से अपन पाप ले दुखी नी रहे। उमन केर बलि चढ़ाएक खाली रीति रिवाज बन गेलक। ईश्वर गो कहलक कि बस बहुत बगरा बलिदान होई गेलक। अब दिन मन बूझ गेलें कि जनवार के बलि करेक नियम से उमन अपने आप से ईश्वर केर भिरे घूरेक नी सकबे। का करल जाए। ईश्वर तभियो संसार के आपदिन मन से अनैत प्रेम करेला। ए लगिन सुपट बेरा में ईश्वर बेस गुरु यीशु के भेजलक कि अबदिन मन के दिखाई कि ओ मन केर संग अपन रिश्ता फिर से का लेखे जोड़क सकी। बेस गुरु यीशु के है के बेस गुरु यीशु ईश्वर कर एके गोटा बेटा है के। बेस गुरु यीशु एगो चक्रित करेक वाला गुरु है के। अबदिन मन के उकर बात सुने के लिए अनैत बेस लगत रहे काले की उगो ओ मन के सिखालक कि ओ मन ईश्वर ठीन कैसन घुरेक सकेन। बेस गुरु यीशु एगो शक्तिशाली चक्रित करेक वाला भी रहे। एक दिन अनैत बगरा अबदिन मन बेस गुरु यीशु केर शिक्षा के पूरा दिन सुने के लिए आए रहे काले की अबदिन मन भूखे रहे। बेस गुरु यीशु गो 5 रोटी और 2 गो मछरी मन के लेलक उगो प्रार्थना करलक और उके अबदिन मन के बांटेक लगलक। ओ दिन 5,000 से बगरा आबदिन मन के खियाए के अघवालक। बेस गुरु यीशु कर सामर्थ हमरे केर दरकार के पूरा कर सकेला। दोसर बेर बेस गुरु यीशु गो नौका से झील के ऊ पखारी गेलक। उकर चेला मन भी संगे रहे। जब बेस गुरु यीशु सुतल रहे
एगो भयंकर आंधी आलक। बेसगुरु यीशु कर चेला मन ओके जगालें और कहलें, गुरु हमिन मोरेक वाला आही। बेसगुरु यीशु खड़ा होई के आंधी और पानी के कहलक, थैम जा। हवा और पानी तुरथे थैम गेलक। बेसगुरु यीशु कर सामर्थ प्राकृतिक संसार से भी महान आहे। जब बेसगुरु यीशु झील के ऊपखारी पहुंचलक तो उके एगो बैरी अब दिन भेटालक जे कबर में रहत रहे। उ ढेर बगरा दुष्ट आत्मा मन से जकड़ल रहे और उ अनैत डर डरुआ रहे। जब बेसगुरु यीशु उके देखलक उगो ओकर से भी प्रेम करलक। उगो दुष्ट आत्मा के कहलक, निकल जा। उ दुष्ट आत्मा मन उ अबदीन के तुरथे छोड़ देलें और उ अबदीन कर दिमाग ठीक होय गेलक। बेसगुरु यीशु केर सामर्थ्य दुष्ट आत्मा मन से महान है। कोनो और दिन प्रभु यीशु केर गोटेक भीरे कर संग बीमार रहे और उ मोर गेलक। तनिक दिन पाछे बेसगुरु यीशु अपन सांग कर कबर में आलक। जे बेरा उ देखलक कि उकर सांग के कौन ठीना तोयप रहें तो बेसगुरु यीशु कांदे लगलक। बेसगुरु यीशु कबर केर भीरे गेलक और कहलक, सांग बाहरे आओ। उकर सांग कबर में से जीते निकल आलक। बेसगुरु यीशु कर सामर्थ मृत्यु से भी महान है। बेसगुरु गो इस सब चीज के करलक काले कि उ हमरे से प्रेम करेल। उ चाहेल कि हम इन सब ईश्वर जगन घोर आऊब। बेसगुरु यीशु परमेश्वर केर बेटा रहे। वो अद्भुत गुरु और उकर संगे शक्तिशाली चक्रित काम करेक वाला भी रहे। और जेतेक जन ई धरती में जियन उकर में से एकला बेसगुरु यीशु है कहियो पाप नी केर रहे। एकला ओहे रहे जहर पाप दंड के सजा योग्य नी समझाल गेलक। अनैत बगरा आपदिन मन यीशु से प्यार करत रहे। पाहें तनिक धर्मगुरु बेसगुरु यीशु से नफरत करत रहें। ओ मन उके गिरफ्तार कर लें, उके अदालत में ले गेलें और उके मोराय कर फैसला कर लें। ओ मने बेसगुरु यीशु के एगो बड़का क्रूश में ठोक देलें। ओ मने उकर हाथ और गोड़ में काटी ठोक देलें। जैसन उके क्रूश ऊपरे ठोक देलें उकर किमैत कर खून जमीन ऊपरे गिरे लगलक और उ चिचियाते कहलक, समाप्त होई गेलक। बेसगुरु यीशु हैं आखिरी और सिद्ध बलिदान होलक। ईश्वर हमरे के प्यार करेल और उगो बेसगुरु यीशु के हमर जगह में मोरेक देलक। बेसगुरु यीशु गो हमरे कर पाप कर सजा के लेलक। एकला लहू चुवाएक से हमरे केर पाप मन क्षमा होवेक सकेल। केखो हमरे कर पाप मन कर दाम देवेक पड़लक। बेसगुरु यीशु के ओ दिन मोरेक कर पाछे उकर संग मन उकर पार्थी देह के उठाए के सुरक्षित कबर में रख देलें। पहें ये कहनी ऐसने खत्म नहीं होई जाएल। इकर तीन दिन कर पाछे बेसगुरु यीशु मोरल में से जी उठलक और अनैत बगरा दिन तक अबदीन मन के दिस्तार देते रहे कि उ फिन जी गेलक है। उगो सिद्ध करलक कि उ ईश्वर केर बेटा है के। उकर पाछे उ अपन बाप ठिन सरग में घोर गेलक। बेसगुरु यीशु गो हमर दंड के आपन ऊपरे ले लेलक और एखन हमिन के गोटेक डहर देलक जेकर से हमिन ईश्वर केर भीरे घोर आओब। एकला ओहे हमिन के ईश्वर ठीना घोरे कर डहर दिखाएक सकेल।
जखन बेस गुरु यीशु धरती में रहे वो एगो कहनी सुनालक। एगो जवान छोड़ा अपन बाप से कहलक कि संपत्ति से मोके मोर हिस्सा के दे दे। वो जवान छोड़ा दुरिया राय चल गेलक और वो अपन रुपया हाड़ी दारू तास जुहा में उड़ाए देलक। जब वो सौब के उड़ाए देलक तो उके सौब से घटिया काम सुवैर चराय कर काम मिललक। एक दिन उके होश आलक। वो सोचलक कि मोर बाप के घर में कतई कमियां हैं। उमंठीना खाए के लिए पूरा है और मोहिया भूखे मोरत हूं। मोय अपन बाप के घर में घुर जाबू और कहबू कि बाप मोय सरग और तोर विरुद्ध पाप कर हूं। एखन तोर बेटा कहाय कर योग्य नखो। दया कैर के मोके एगो धंगार लेखे रख ले। तले उठ के अपन बाप ठिन गेलक। पाहे जखन वो एकदम दुरियाहे रहे उकर बाप गो उके देखलक और दया से भैर गेलक। वो अपन बेटा ठिन कूद गेलक और उके पोटराय लेलक और उके चुमा करलक। बेटा गो बाप से कहलक, बाप मोय सरग और तोर विरुद्ध पाप कर हूं। मोय अखन तोर बेटा कहे कर योग्य नखो। पाहे बाप गो अपन दास से कहलक, जल्दी से सौब से बेस लुगा लाना और इके पिंधाए देवा। एकर आंगरी में एगो अंगठी पिंधावा और इकर गोड़ में जूता पिंधावा। आवा हम इन भोज करब और खुशी मनाब। काले की मोर ई बेटा हेराए जाय रहे और एखन भेटाए गेलक। हमनी ई जवान बेटा लेखे आही। हम इन सौब पाप करही और हमरे पिता ईश्वर से दुरिया आही। पाहे ई बेटा लेखे हम इन ईश्वर केर भीरे आवेक सकिल। हमरे के अपन पाप मन लगिन क्षमा मांगे चाही और ईश्वर भीरे घुर आवेक चाही। उ चाहेल कि हमरे ऐसन जिंदगी के पाप जे उकर छुआ होकर चलते मिलेल। बेस गुरु यीशु गो कहलक कि डहर सच्चाई और जीवन मोहे ही को। मोर बेगार केहो हर पिता ईश्वर ठीन नी जायक सकेल। का तोहरे चाहल कि बेस गुरु यीशु तोहरे के ईश्वर ठीन ले चलोक। एकला बेस गुरु यीशु हमिन के ईश्वर कर भीरे ले जायक सकेला। ईश्वर कर भीरे जायक ले तो के मानिक होई कि तोय उकर विरुद्ध पाप करहीस। तो के विश्वास करेक होई कि प्रभु यीशु तोर पाप कर लगिन मोर गेलक और तोर दंड के अपन ऊपरे ले लेलक। ईश्वर से बिनती करा कि ओ तोर पाप के क्षमा करी। तो के बेस गुरु यीशु में है विश्वास रखेक होई कि ओ तो के घुराय लानी और ईश्वर बाप के छवा होए करनाते। तो के अनंत जीवन देवी। ई बेरा से तो के बेस गुरु यीशु के तोर नवा मालिक और गुरु माइन के उकर पीछे चले खोई। बाइबल कहेला ईश्वर गो संसार से ऐसन प्रेम करलक कि उ अपन एके गोटा बेटा के दे देलक कि जे के हो उकर ऊपरे विश्वास करी उ नाश नहीं होवी पाहे अनंत जीवन पावी। ओ जवान छोड़ा गो अपन बाप ठीन घुर आवेक बेरा जैसेन करलक वैसने तोय भी ईश्वर ठीना ई कहते जायक सकिसला। ईश्वर मोय जानोन कि तोय मोर से प्रेम करीस। मोय तोर विरुद्ध पाप कर हूं और माफी चाहोन। मोय बेस गुरु यीशु में विश्वास करोन कि ओ अपन पूरा बलिदान से मोर दंड के ले लेलक। ईश्वर कृपा कैर के मोके क्षमा कर। मोय माइन लेवा थो कि बेस गुरु यीशु मोर मालिका है और मोय एखन से जिंदगी तुलुक उकर हुकुम के पालन करबू। धन्यवाद मालिक काले की तोय मोके अपन छुआ माइन के नवा और अनंत जीवन देले। काले नहीं तोय उके एखने एहे बेरा बोलाओ। अगर तोय सचे में ईश्वर के बोलाबे तो एखन तोय ईश्वर कर बेटा जिंदगी ले हो जाबे।
ईश्वर चाहेला कि तोय दूसरा मन के भी बताओ कि तोय ओकर बेटा है किस। ईश्वर कर योजना एकला तोके नहीं, पाहे तोर से तोर परिवार और सांग मन के हो अपन भेरे लाने आहे, जेकर से कि ओ मन कर रिश्ता ईश्वर और एक दूसर के संग दोबारा बन सकोक। तोय के जानिस जेके ई कहानी के सुने कर दरकारा है।